लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बारहवीं सदी का महात्मा बसवन्ना का अनुभव मंटप भारत के जाति व्यवस्था खत्म करने का आंदोलन था। लिंगायत धर्म को अल्पसंख्या दर्जा देने बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल आने वाली सरकार को इस बारे में निर्णय लेना ही होगा। अनुभव मंटप 770 विधि जाति धर्म के शरणों की संसद थी और उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत की और दुनिया को मानवता की राह पर जाति वर्ण वर्ग विरहित समाज निर्माण का सपना देखा और उसे अमल में लाने की पुरजोर कोशिश की। लातूर के भालचंद्र ब्लड बैंक में बरसो समिति बेंगलुरु के अध्यक्ष अरविंद जी जत्ती ने अपने व्याख्यान में कहा कि इस कार्यक्रम में शंकर मुर्गे और निलंगा मटके स्वामी बसवेश्वर एर इनका लिंगायत धर्म पद्धति से सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए लिंगायत सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। स्वतंत्र धर्म मान्यता देने वाले कौन है? सरकार को अधिकार नहीं है कि मान्यता दे सकते हैं। किसी धर्म का मान्यता किसी सरकार ने देना मुमकिन भी नहीं। देना है तो माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। जब माइनॉरिटी स्टेटस गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है ऑटोमेटिकली वो मान्यता मिल जाती है। ऐसे हिसाब से माइनॉरिटी के पीछे हम कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर से रफीक तांबोली की रिपोर्ट। एक तरफ राज्य में कांग्रेस की सरकार के आने से किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, दूसरी तरफ सेवा सहकारी समिति अमझर में किसानों का खून पसीने से उत्पादन की गई धान को प्रत्येक तोल में 1 से 1.5 किलो धान अधिक लेकर शासन की निर्धारित नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। वही बात करें राज्य में कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र में 2,500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करना महत्वपूर्ण बात रही थी। अमझर में लाला पटेल की चल रही इस खेल की जानकारी किसानों द्वारा लगातार मीडिया को दी गई। मौके पर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति सारंगढ़ की पूरी टीम पहुंचकर मामले की जानकारी सारंगढ़ अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ को दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर नायब तहसीलदार को भेजा। लगातार 4-5 बोरी को तोल कराया गया जिसमें 1 से 1.5 किलो धान सभी बोरी में अधिक पाए गए। छापेमारी में हुआ खुलासा कि 450 बोरी धान किया गया जब्त। और वही बात करें कि चल रही प्रबंधक की लापरवाही की तो अमझर मंडी में देखने को मिलेगा। धान की चिल्लियों में ना तो ढंग से ढकने का कोई व्यवस्था है और लगातार 2 दिनों से हुई वर्षा में बहुत धान की बोरी पानी में भीग गई तथा वही प्रबंधक की लापरवाही से हजारों बार धाना भी पानी में भीग गया। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से चंद्रिका भास्कर की रिपोर्ट। नौशहरा पन्नुआ पंचायत चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी तरसेम सिंह और बागी कांग्रेसी रंजीत सिंह बादल के बीच चल रहे विवाद दौरान बात गोली चलने तक पहुंच गई। रंजीत सिंह बादल के नामांकन पत्र दाखिल करवाने जा रहे ब्लॉक समिति सदस्य राजकरण सूद और उसके साथियों पर 2 गाड़ियों में सवार लोगों ने गोलियां दागी। पहली गोली गाँव शेरो स्थित सिद्धू फार्म के पास दागी गई, दूसरी गोली तरन तारण के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री के अस्पताल समीप दागी गई। राजकरण सूद गाड़ी तेजी से भगाकर टोल प्लाजा पार कर रहे थे कि सामने खड़े हमलावरों ने दोबारा 2 गोलियां दागी। हमलावरों द्वारा 4 और राउंड फायर किए गए जिसमें 2 गोलियां राजकरण सूद की फॉर्चुनर गाड़ी पर लगी। मौके पर SP तिलक राज ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस बाबत थाना सरहारी में FIR दर्ज किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेसी प्रत्याशी तरसेम सिंह ने कहा कि वह रंजीत सिंह बादल को बड़े भाई के समान मानते हैं।
है। पार्टी ने इस बार सरपंच पद के लिए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके चलते रंजीत सिंह केवल अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। पंजाब के तरन तारण से सुखजिंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में लगा कूड़े का अंबार। मरीजों को बाहर की दवाई लिखी जाती है एवं सरकारी दवाएं एक्सपायरी होने पर कूड़े की तरह जलाई जाती है। सफाई के नाम पर यहां बहुत ही खामियां हैं। पत्रकारों की टीम जब अस्पताल पहुंची तो देखा गया कि अस्पताल में बाहरी लोगों का बोलबाला है। स्वीपर लोग अपना काम नहीं कर रहे, डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाई लिखी जा रही है। JSY के डिस्चार्ज स्लिप का तो 200-300 रुपए एवं JSY के कागज पर करीब 100 रुपए एवं रेबिस इंजेक्शन के 20 रुपए से 50 रुपए तक लिए जाते हैं। डॉक्टरों द्वारा बाई नेम पैथोलॉजी एवं मेडिकल स्टोरों पर मरीज को भेजते हैं। रात्रि में डॉक्टर रहते तो जरूर है, लेकिन अपने आवास पर, अपने चैम्बर पर नहीं। रात्रि में मरीज भगवान भरोसे रहते हैं। इस लापरवाही के विषय पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करेगी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ₹2019 के चुनाव का डंका बजते ही हर पार्टी बयानबाजी में जुटी है, चाहे वे कोई भी पार्टी हो। ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमकर राफेल मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। वही उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में भाजपा मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। दरअसल मामला राफेल मुद्दे को लेकर गरमाया हुआ है। वही भाजपा मंडल प्रभारी चंद्रमोहन भी रामपुर कलेक्टर पहुंचे और ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम की टीम ने प्रिंस रोड पर सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान नगर निगम और पुलिस की टीम JCB मशीन से सड़क किनारे खड़े ठेलों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर ले गई। सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए खोखो और ठेलों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, सड़क पर लगे बोर्डर्स को भी नगर निगम की टीम ने नहीं बख्शा। कई जगह नगर निगम की टीम से लोगों की नोकझोंक भी हुई। मुरादाबाद में सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको खत्म करने के लिए नगर निगम और पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से बंटी सक्सेना की रिपोर्ट। मामला रामगांव थाना बेहटा भैया की मजरा कहारनपुरवा का है, जहां पर पिता ने अपनी बेटी की शादी अपनी ही बहन के लड़के के साथ करने का विचार किया, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण बेटी का पिता शादी करने से मुकर गया। इस पर जिस लड़के के साथ शादी तय हुई थी वो लड़का अपना आपा खो बैठा और मामा भांजे के रिश्ते को ताक पर रखते हुए गोली मार दी। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका नाम जुगल था और जिसने गोली चलाई उसका नाम प्रमोद था। गांव वालों की सूचना पर मौके से थाना रामगांव की पुलिस पहुंची और घायल जुगल को आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। गोली चलाने वाले व्यक्ति को गांव वालों ने मौके से पकड़ लिया और एक पास के पेड़ में जकड़कर बांध दिया। फिर गोली चलाने वाले व्यक्ति की लाख कोशिशों के बावजूद भी भागने में नाकामयाब रहा और गांव वालों ने उस शातिर अपराधी को पुलिस के हवाले सौंप दिया और उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। सनसनीखेज वारदात कोतवाली गुन्नौर के ग्राम असदपुर की है, जहां पर अब से 5 दिन पहले विनोद नाम के युवक की सरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोप है कि मृतक विनोद और आरोपी शोपाली ये दोनों ही दिल्ली साथ में नौकरी करते थे। आरोपी विनोद का रिश्ते में साले का साला लगता था। बता दें कि विनोद की अपने गाँव में 10 से 12 बीघे जमीन थी, जिसको लेकर विनोद अपने गाँव आया जाया करता था। उसी दौरान आरोपी के मृतक की पत्नी से अवैध संबंध हो गए। आरोप है कि मृतक को इस सब की जानकारी मिल गई थी, जिसका उसने कई बार विरोध भी किया था। कुछ दिन तक लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन आरोपी के मन में कुछ और ही था।
आरोपी ने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और विनोद को उसके खेत पर ले गया। पहले तो आरोपी शिवपाली ने विनोद को काफी शराब पिलाई और कुल्हाड़ी से काट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। विनोद की हत्या पर आरोपी मौके से फरार हो गया। 3 दिन बाद सूचना परिजनों को लगी तो परिजनों में कोहराम मच गया। आनंद फानंद पुलिस मौके पर पहुंची और विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। वही मृतक की पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।